हेलो दोस्तों, एलयू क्लासेज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का जो है पांचवा लेक्चर है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है एप्सिलॉन नॉट का जो है आंकिक मान यानी कि संख्यात्मक मान, इसके अलावा इसका मात्रक और विमीय सूत्र ज्ञात करना सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ाया गया था कूलम्ब का नियम। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो कूलम्ब का नियम आपको पढ़ाया गया था उसमें जो आपको सूत्र बताया गया था, ध्यान दीजिए, सूत्र आपको बताया गया था एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू बट्टे आर स्क्वायर। ये पढ़ाया गया था, यहाँ पर के बताया गया था आपको कि ये एक समानुपाती नियतांक होता है, और इस के का आपको मान बताया गया था 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये मान बताया गया था, और इस के को हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो वहीं पर हम लोगों ने ये एप्सिलॉन नॉट जो है पढ़ा था। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है एप्सिलॉन नॉट का जो है यहाँ पर संख्यात्मक मान, और संख्यात्मक मान इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया भी गया था कि एप्सिलॉन नॉट का मान जो है कितना होता है, लेकिन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। एप्सिलॉन नॉट होता है क्या, इसके बारे में आपको बताया गया कि निर्वात या फिर वायु की वैद्युतशीलता, याद रखिएगा, वायु या फिर निर्वात की वैद्युतशीलता। तो अब ध्यान दीजिए, इसी का प्रयोग करके आज हम लोग यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का जो है मान ज्ञात करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर के बराबर इतना बताया गया था और के बराबर आपको इतना बताया गया था। इसका मतलब आप बता सकते हैं यहाँ पर, फिर क्योंकि इसका मान फिर इसके बराबर होगा, क्योंकि के बराबर ये भी होता है और के बराबर ये भी होता है, दोनों समानुपाती नियतांक है, इसका मान इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा यहाँ पर 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम स्क्वायर, इतना हुआ। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से हम लोग एप्सिलॉन नॉट इसका मान ज्ञात करें तो ये संख्या इधर गुणे में लाएंगे और ये वाली पूरी संख्या इधर बटे में आएगी। तो अब ध्यान दीजिए, इससे आप लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट बराबर, ये उधर चला गया, ये पूरा इधर बटे में लाएंगे, तो ये होगा फिर 1/ ध्यान दीजिए 4 पाई, ये हो जाएगा, ये बटे में आएगा, तो 9×10⁹ ये बटे में आएगा, तो ध्यान दीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है प्रति कूलम, तो प्रति कूलम है, ध्यान दीजिए प्रति कूलम स्क्वायर, अब ये कूलम स्क्वायर पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ध्यान दीजिए इससे आप लिखेंगे फिर एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/ ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा 4, इसके बाद पाई का मान रखेंगे तो पाई का मान होता है 3.14, इतना हो जाएगा, 9×10⁹ ये संख्या पलट के ऊपर जाएगी, तो इससे आप लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/ इसका हम लोग गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 4×16, इसके बाद 4×1=4, 1×5 4×3=12, इतना होगा, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 9×10⁹ इतना हो जाएगा, इसके बाद मात्रक हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके बाद एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/ इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9×6=54, हंसी लाएगा 5, 9×5=45, 45 और 5 मिलके हो जाएगा 50, फिर हंसी लाएगा 5, 9×2=18, 18 और 5 मिलके हो जाएगा 23, इसके बाद 9×1=9 और 2 मिलके हो जाएंगे 11, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा इतना, और 10^9 इतना आएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इतना आएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए एप्सिलॉन नॉट बराबर, तो जब यहाँ से हम लोग इसको भाग करेंगे और भाग करने के बाद शुद्ध करेंगे तो इसका मान आएगा 8.85×10⁻¹2, आप लोग इस संख्या को भाग करेंगे उसके बाद मानक रूप में लिखेंगे तो इतना ही आएगा, 8.85×10⁻¹2 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार जो हम लोग एप्सिलॉन नॉट यानी कि वायु या फिर निर्वात की विद्युतशीलता का आंकिक मान जो है ज्ञात कर सकते हैं, और इसमें आंकिक मान के साथ साथ मात्रक भी ज्ञात हो चुका है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इसके अलावा भी इसका एक मात्रक होता है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिए एक मात्रक तो जो यहाँ पर आया है यानी कि ये मात्रक आपका आया है यहाँ पर, ध्यान दीजिए कूलम स्क्वायर प्रति, इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर न्यूटन, यहाँ पर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो ये मात्रक होगा कूलम स्क्वायर
प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी कि कूलाम स्क्वायर, इसके अलावा यहाँ पर लिखेंगे न्यूटन इनवर्स, और यहाँ पर हो जाएगा मीटर इनवर्स की पावर 2। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि ये दोनों मात्रक जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर पावर में माइनस लग जाएगा, यहाँ पर माइनस 2 लग जाएगा। तो इस प्रकार से भी मात्रक लिख सकते हैं। और इसके अलावा आगे के चैप्टर में इसका एक मात्रक और मिलेगा, यानी कि फैराड मीटर। याद रखिएगा, एक मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा फैराड मीटर। तो ये दो मात्रक आप इसके याद रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का जो है विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे। इसका यहाँ पर विमीय सूत्र ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर विमीय सूत्र के लिए पहले कूलाम का नियम ध्यान दीजिए आपको बताया गया है, एफ बराबर के का मान आपको ये बताया गया। तो ये मान इसकी जगह पे अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 r2। तो ये हुआ कूलाम का नियम। तो अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से हम लोग एप्सिलॉन नॉट ज्ञात करें तो ये इधर आएगा, यानी कि एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आ जाएगा और एफ बटे में आ जाएगा। यानी कि इससे आप ध्यान दीजिए किस प्रकार से लिखेंगे, इससे आप लिखेंगे 1/4, यहाँ पर हो जाएगा 4 pi, एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया, एफ यहाँ पर आ जाएगा, तो एफ इंटू में हो जाएगा Q1 Q2 और यहाँ पर हो जाएगा r2। इस प्रकार से इतना होगा। तो अब यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर जो 1/4 pi दिया गया है, यानी कि ये वाला मान ये आपका नियतांक है, यानी कि 4 pi एक संख्यात्मक राशि है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, और जिसका कोई मात्रक नहीं होता है उसका विमीय सूत्र भी नहीं होता है। तो इसके अलावा यहाँ पर आपका बचेगा Q1 Q2 f और इसके अलावा r2। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र बराबर, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आया है आवेश, तो आवेश का विमीय सूत्र पहले लिखना है। आवेश का विमीय सूत्र याद रखिएगा at इतना होता है, यहाँ Q2 ये भी आवेश है, तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा at इतना होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया बल, तो यहाँ पर आपको बल का विमीय सूत्र लिखना है। बल का विमीय सूत्र होता है ML(t^-2) इतना हो जाएगा r, यहाँ पर ये दूरी यानी कि लंबाई, इसका हो जाएगा L2। तो इस प्रकार ध्यान दीजिए, यहाँ पर सारे विमीय सूत्र लिख दिए गए, यानी कि ये आवेश के हो गए दोनों, यहाँ पर ये बल का हो गया, और यहाँ पर ये लंबाई यानी कि दूरी का हो गया। और यहाँ पर जो विमीय सूत्र लिखे गए, अगर आपको ये नहीं याद है तो आप इन्हें भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बल का लिख दिया गया ML(t^-2) और आपको बल का विमीय सूत्र नहीं याद है, तो आप ध्यान दीजिए सूत्र आपको याद रखना चाहिए। सूत्र होता है बल बराबर द्रव्यमान, ध्यान दीजिए बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये सूत्र होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर द्रव्यमान प्रयोग हुआ है, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम और त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब ध्यान दीजिए, किलोग्राम के लिए विमीय सूत्र यूज होता है m, इतना लिखेंगे, यहाँ पर मीटर यानी कि लंबाई, तो इसका हो जाएगा l, और समय का हो जाएगा t, यानी कि सेकंड स्क्वायर है तो समय का होगा t2। तो इस प्रकार ये इतना बना, यानी कि यहाँ से ध्यान दीजिए, इससे आप लिखेंगे m, ये हो जाएगा L(t^2), जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा t^-2। तो इसका मतलब बल का विमीय सूत्र आ गया ML(t^-2), वही यहाँ पे लिखा गया था ML(t^-2). तो अगर आपको याद नहीं है तो आप जो यहाँ पर विमीय सूत्र लिखे गए वो भी आप इसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, विमीय सूत्र हल करने के लिए आपको हमेशा सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र याद होगा तभी आप विमीय सूत्र ज्ञात कर पाएंगे। इसके अलावा मुख्य पॉइंट आपको बता ही दिया गया कि जो संख्यात्मक राशियां होती हैं, यानी कि जिनका कोई मात्रक नहीं होता है, उनका विमीय सूत्र भी नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो अब ध्यान दीजिए, अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए और ए मिलके ये हो जाएगा a2, टी और टी मिलके हो जाएगा t2, इतना बनेगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये हो जाएगा m, L2 दिया गया और ये वाला L, मिलके हो जाएगा L^3 और t^2 हो जाएगा -2। तो ये इतना हुआ, यानी कि अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब आप लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र,
तो अब इसका उम्मीद सूत्र जब लिखेंगे तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जितने भी बट्टे में दिए गए इन सभी को आपको ऊपर लाना है, और जब ऊपर लाएंगे तो यहाँ पर सभी के चिन्ह जो है बदल जाएंगे। तो ध्यान दीजिए m, यहाँ पर m की पावर कितनी है 1, जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा फिर m की पावर माइनस 1, इतना हुआ। इसके अलावा l ध्यान दीजिए इसकी पावर कितनी है 3, जब ये ऊपर जाएगा तो l की पावर हो जाएगा माइनस 3, इतना हुआ। इसके अलावा ध्यान दीजिए t की पावर माइनस 2 है, जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो t की पावर 2 ऊपर दिया गया है और ये जाएगा तो ये भी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर यह आके हो जाएगा t की पावर 4 और a की पावर दी गई है 2। तो इस प्रकार यहाँ पर जो ये आया ये आ गया m की पावर माइनस 1, l की पावर माइनस 3, t की पावर 4 और a की पावर 2। तो ये यहाँ पर जो है एप्सिलॉन नॉट यानी कि वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता का जो है विमीय सूत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप आंकिक मान, इसके अलावा मात्रक और विमीय सूत्र जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।